हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। फ्रेंड, BCCI 2021 का रैंक कार्ड जो जारी कर दिया गया है, रैंक कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको रैंक कार्ड से देखना है कि आपको कोर्स मिल सकता है कि नहीं, और मिलेगा तो कौन सा कोर्स मिलेगा और कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो ये सब की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा से काउंसलिंग कर। तो हम इस वीडियो में आपको अच्छा से समझा देंगे कि आपको रैंक कार्ड से समझ सकते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो पिछले वर्ष 2020 का एडमिशन हुआ है, उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और जिसमें बहुत से कोर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, BSc नर्सिंग है, बी फार्मा है, बी मल्टी है। और से वीडियो हम BCCI के काउंसलिंग तक कुछ जरूर वीडियो लाएंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो सके आपको एडमिशन लेने में। तो चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, और नए वीडियो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, BCCI ज्वाइंट PCM, PCB और PCMB, तो ये जो PCM, PCB ये सब किसके लिए कौन सा कोर्स मिलेगा, इस पर हम वीडियो जल्द ला रहे हैं कि आपके जो एग्ज़ाम दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या सब मिला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, तो आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, तो इस पर हम वीडियो जरूर लाएंगे, जल्द लाने वाले हैं और भी वीडियो लाने। इसके इसमें क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि BSc जो सबौर कॉलेज है, वहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस के एडमिशन के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया गया है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि UR रैंक दिया गया, ठीक है, उसके बाद UR ओपनिंग रैंक, और उसके बाद UR क्लोजिंग रैंक दिया गया। तो ये आपका UR क्लोजिंग रैंक हो गया। उसके बाद दिया गया है कैटेगरी रैंक, ठीक है, कैटेगरी ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक। तो ओपनिंग माने कि इस रैंक से एडमिशन होना वहाँ पर कॉलेज में, इस कोर्स में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग के यानी कि उस रैंक तक बंद हो गया, या कि इसके बीच के जितने स्टूडेंट जो रैंक वाले आते हैं उनका एडमिशन उस कॉलेज में इस सब्जेक्ट से होता है। तो हम सबसे पहले देख सकते हैं कि सबौर एग्रीकल्चर जो है, इसमें UR का जो दिया गया है, ठीक है, तो UR यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल होता है, ठीक है, इसमें कोई कैटेगरी रैंक नहीं होता है, कैटेगरी रैंक नहीं होता, सिर्फ UR जो होता है जनरल का जनरल होता है। तो इस कॉलेज में जिनका रैंक 5 से लेकर 49, ठीक है, 5 से लेकर जनरल वाले, अगर उन जनरल से हैं और उनका रैंक जो है 5 से 49 के बीच है, 5 से लेकर 49 के बीच जिनका होगा, उनका BSc एग्रीकल्चर साइंस में सबौर में कॉलेज में एडमिशन हुआ का। और यहीं पे देख सकते हैं कि साइड में जो दिया गया है 5 से लेकर 49 तक कैटेगरी रैंक, क्योंकि इनमें कैटेगरी रैंक नहीं होता है, सिर्फ जनरल का जनरल होता है। उसके बाद जस्ट इसके नीचे देखिएगा कि ST का दिया गया, ठीक है, तो ST जो जिन स्टूडेंट का ST होंगे और उनका जनरल रैंक 750 से 750, सिर्फ एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, 750 से ओपनिंग है, 750 क्लोजिंग है, और उनका कैटेगरी रैंक 3 हो, ठीक है, तो उनका एडमिशन सबौर में एग्रीकल्चर में हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि SC का दिया हुआ है, ठीक है, SC का दिया गया है, SC का जो है 210 से 849, ठीक है, तो 210 से लेकर 849 के बीच जिस स्टूडेंट का ST कैटेगरी से जनरल रैंक 210 से 879 है, उनका एडमिशन सबौर साइंस एग्रीकल्चर में हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उनका कैटेगरी रैंक जो होगा 5 से 39 के बीच होना चाहिए, ठीक है, तो उन लोग का बीच में जितने स्टूडेंट आए होंगे उनका एडमिशन इसमें हो गया होगा, तो ये आपका समझ सकते हैं। उसके बाद दिया गया है BC का, ठीक है, जस्ट उसके नीचे देखिएगा तो BC का दिया गया है, BC में है 52 से लेकर 60 तक, तो 52 से 60 के बीच जिसका BC कैटेगरी के जनरल रैंक जिनका 52 से 60 के बीच है, उनका एडमिशन इसमें हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उनका कैटेगरी रैंक, BC वालों का कैटेगरी रैंक अगर 25 से 27 के बीच है, उनका एडमिशन हुआ है। तो इस प्रकार अपना देख सकते हैं, ठीक है, तो वो EBC है, फिर EBC में देख सकते हैं 50 से लेकर 116 दिया गया है, और कैटेगरी रैंक 9 से लेकर 23 तक है। तो इसी प्रकार आप जो भी कॉलेज का देखना चाहते हैं और कोर्स देखना चाहते हैं, यहाँ पे सारा दिया गया है, BSc नर्सिंग और आपका बी फार्मा, ठीक है,
तो आप इस PDF अगर आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट जाइएगा और वहाँ पे ये आपको PDF मिल जाएगा और डाउनलोड करके आप एनालिसिस कर सकते हैं और अपने रैंक के हिसाब कॉलेज या कोर्स देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।